हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें तालियों के साथ। इस सुबह के लिए, आज के नए दिन के लिए, इस समय के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं और दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, आज सच में कलीसिया सभी के जीवन में परमेश्वर अपने अद्भुत और बड़े कामों को करने जा रहे हैं। एक गुड न्यूज़ के साथ उन्हें परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे हैं, अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ, जो कभी ना सुनी ना कभी देखी, ऐसी गवाही के साथ प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, दैट मीन्स कि आज आपके जीवन की जो असंभव परिस्थितियां हैं, आज परमेश्वर के सामर्थ्य यीशु के नाम से वो संभव होने जा रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो इसलिए आज की प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को हर एक जनों के साथ शेयर करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो जलाली है, जो परम प्रधान है और जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, वो जलाली है, वो सामर्थ्य, वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारे लिए मार्गों को सीधा करता है। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, वो जलाली है, वो सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान, स्तुति में विराजमान प्रभु यीशु मसीह का सभी जन धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, सभी जन परमेश्वर की भलाई को याद करें, जो परमेश्वर ने मेरी रात भर संभाला, ये सुबह की रोशनी दी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने जीवन की भलाइयों के लिए परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करना शुरू करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए सभी जन कहें, प्रभु जी इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने हमें अपनी हजूरी के साथ कनेक्ट किया। सभी जन कहें, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो महान है और जो हमारा अच्छा चरवाहा है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसका प्रेम सिद्ध है, हालेलुया, जो सच्चा है, जो दयावंत है, जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, जो करुणा में परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमेशा और सर्वदा हमारी ऊपर अपनी दृष्टि को लगा के रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, वो पवित्र आत्मा जो सत्य का है, जो अनुग्रह का है, जो महिमा का पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर ने हमें दिया। आज परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के लिए उसका धन्यवाद करें। वो पवित्र आत्मा जो हमारा बड़ा सहायक है, हमारा बड़ा मददगार है, आज कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन आज सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हमें उस पाप में से निकाला, हमारी गलतियों को प्रभु ने क्षमा किया, हमारे सारे अपराधों से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, बीमारियों से परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया, कमज़ोर पड़ने से प्रभु ने हमें अपना बल, अपनी ताकत और अपनी शक्ति दिया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन जहाँ कहीं से भी समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, एक एक जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, वो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करता है, जो बड़े बड़े कामों को करता है, जो आश्चर्य कर्मों को करता है, जो असंभव को संभव करता है, उस प्रभु यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करें। हमारे विरोधियों के सामने वह हमारे लिए मेज बिछाता है, हमारे लिए वो आंसरेबल है, वो हमारे लिए हर एक क्वेश्चन का वो आंसर लेके आता है और वो खुद हमारी लड़ाइयों को लड़ता है आज। इसलिए परमेश्वर का आज इस समय में सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हो सकता है कि आज आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, किसी भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे, प्रभु आपके पवित्र वचन में लिखा है कि मैं चुपचाप रहूं ताकि आप मेरी लड़ाइयों को लड़ें और जयवंत हों, क्योंकि आपके परमेश्वर मेरे जीवन में एक बड़ी योजना है, आप मेरे जीवन में से अपने उद्धार के कामों को, अपनी महिमा को आप प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए कहे, प्रभु जी आज आप मेरी लड़ाई को लड़ें और आप जयवंत परमेश्वर हैं, आप हर परिस्थिति के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक बात के ऊपर कहे, प्रभु आप जयवंत हैं। इसलिए आज अपनी हर एक परिस्थितियों को, अपने हालात को, अपनी सिचुएशंस को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए कहे, प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावंत हैं, आप दया के सागर हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं,
आज का ही प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपना मुंह पसार तो मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह पसारने की आज आपको जरूरत है, यानी कि मुंह खोलने की जरूरत है और परमेश्वर से मांगने की जरूरत है प्रार्थना में। वो प्रार्थना जो विश्वास की प्रार्थना है, और जिस प्रार्थना के द्वारा यदि कोई रोगी होगा तो वह विश्वास की प्रार्थना करेगा तो प्रभु का वचन कहता है कि वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे उठा के खड़ा करूँगा। और आज वो जो विश्वास की प्रार्थना कर रहा है और कर्जों में है और दुख में है और दर्द में है और बीमारी में है और चल फिर नहीं पा रहा और भयानक दुख में है, आज परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करने जा रहे हैं। यदि आज आप विश्वास के द्वारा प्रभु को पुकारें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास यदि हम करेंगे तो ही अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े और अद्भुत कामों को देखेंगे, और विश्वास के बिना हम अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, यदि हमारा विश्वास अटूट होगा, हालेलुया, जो कभी टल ना सके, जैसे हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम जो सब प्रेम से उत्तम है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है। प्रभु के वचन में लिखा है साफ स्पष्ट, पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना धोखा दूंगा। हालेलुया, और आज के दिन तक यदि आप अपनी परिस्थितियों को याद करें, पुरानियों को, तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हर दिन हमें संभाल के रखा है। हमें परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में संभाल के रखा है। एक अपनी आँख की पुतली की नाई हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला है, कलीसिया। इसलिए परमेश्वर का उन सभी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। सभी जन आज के दिन को, पूरे दिन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने आने जाने मार्गों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, टेस्ट के लिए जा रहे हैं, इसी वक्त अपनी आंसर शीट को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो क्वेश्चन की शीट जिसे आप फेस करने जा रहे हैं, उसे प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, कवर करें प्रभु के लहू में। आज आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, अपने आप को, अपने केस के एक एक डॉक्यूमेंट्स को आज परमेश्वर के लहू में कवर करें। आज यदि आपने अंगीकार कर लिया, माफ़ी मांग लिया परमेश्वर से अपनी गलती गुनाहों से, तो अपने कोर्ट केस की एक एक फाइल को, अपने टेस्ट को, अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी बीमारी की हर एक रिपोर्ट्स को, एक एक डॉक्यूमेंट्स को आज प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करें। वो लहू जो हमारे परमेश्वर ने अपने लहू का मोल दे करके आपको, मुझको, हम सबको खरीद लिया, आज उस कीमती प्रीशियस ब्लड में कवर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सरेंडर करें अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को। यदि आज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने आप को सरेंडर करें प्रभु के लहू में। कहें प्रभु आज मेरा बोलना आपकी तरफ से हो, आज मेरा बैठना आपकी तरफ से हो, आज मेरा चलना, मेरा प्रभु उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, चलना, कहें प्रभु आज आपकी तरफ से हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कलीसिया, आज हर एक लोगों के जीवन में यदि हम देखते हैं तो किसी न किसी तरह से वो किसी न किसी अपनी लाइफ के क्षेत्र में वो दुखी हैं। कोई अपनी मैरिड लाइफ में दुखी है, कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दुखी है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी है, और बच्चे अपने माँ बाप के डिसीजंस को लेकर के दुखी हैं, उनके बिहेवियर को लेकर दुखी हैं। क्योंकि क्या है, जनरेशन आज ये अपने माँ बाप की सुनना नहीं चाहती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज आपके जीवन में अलग अलग तरह का दुख हो सकता है, वो कर्जों का दुख हो सकता है, वो शुगर की बीमारी का, वो आपको जो शुगर की बीमारी है उसकी वजह से आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, इन्फेक्शन है, और बार बार आपको वही सब कुछ फेस करना पड़ता है। ये क्या है, ये आपकी लाइफ के आज के अप एंड डाउन्स हैं। हालेलुया, ये दुख हैं जो आज आपके जीवन में हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है आपको तसल्ली देते हुए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे हर एक दुख को बड़े आनंद में बदल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा दुख वो बड़े आनंद में बदल देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, हालेलुया, और हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास नबियों को देखते हैं, हालेलुया, जिन्होंने अत्यधिक हानि और निराशा का अपने जीवन में अनुभव किया, जैसे कि अय्यूब, नौमी, हन्ना, दाऊद, दानियल,
और भी बहुत सारे, उन सब ने, इन सब ने क्या किया, अपने जीवन में बहुत सारी निराशा का अनुभव किया, बहुत सारे हानियों का अनुभव किया। जैसे हम नौमी के बारे में देखते हैं तो उसका क्या है, उसका खुद का हस्बैंड भी मर जाता है, उसके दो बेटे होते हैं वो भी मर जाते हैं। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो वो परमेश्वर की नज़र में क्या है, वो एक धर्मी है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचनों का भय मानने वाला है, वो सीधा है, वो खरा है परमेश्वर के वचनों पे। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, परमेश्वर में इतना खरा होने के बावजूद में भी, जो शैतान है वो परमेश्वर से परमिशन पाकर के उसके जीवन में आता है, उसको दुख देता है, उसको निराशा की ओर लेके जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी हानियों को लेके आता है वो। हालेलुया। उसका सब कुछ चला जाता है तो भी वो इतने सारे दुख की परिस्थितियों में भी वो अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। हन्ना के जीवन में देखते हैं सब कुछ था उसके जीवन में, सब कुछ था। हालेलुया। उसका हस्बैंड उससे, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, उसकी सौतन होने के बावजूद भी उसका हस्बैंड हन्ना का, हन्ना से ही ज़्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। तो भी वह अपने जीवन के एक हिस्से में वह दुखी थी। क्यों? क्योंकि वह माँ बनना चाहती थी और वह माँ नहीं बन पा रही थी, इसीलिए वो दुखी थी, वो निराशा में थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, इन सब के जीवन में अद्भुत अपनी महिमा को प्रकट किया, और उन, और क्या किया परमेश्वर ने, उनके दुख को बड़े आनंद में बदल दिया। यहाँ तक कि हम जब यीशु मसीह के जीवन में के बारे में जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में, क्योंकि वे मनुष्य रूप लेकर के आए, तो उन्होंने भी अपने जीवन में क्या महसूस, क्या फील किया है, बड़े दुख को फील किया है। जब परमेश्वर के पवित्र वचन हम यशाया 53 उसके 3 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह तुष्ट जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। हालेलुया। प्रभु क्या लिखा है वचन में परमेश्वर के कि वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुष्ट जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इस वचन में यशाया 53 का 3 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दुखी पुरुष था। हालेलुया। वह मनुष्य का त्यागा हुआ था, रोग से उसकी जान पहचान थी। कैसे? क्योंकि वह एक मनुष्य रूप लेके आया था, उसने भारी दुख को अपने अपने जीवन में सहा, महसूस किया, उसने मारा कूटा गया हमारे कारण, दुखों को सहा उसने, हमारे लिए कोड़ों को सहा, बड़ी दुख को सहा अपने उसने अपने बदन के ऊपर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये है कि हमारे परमेश्वर ने भी एक दुख को अपने जीवन में फील किया है, वो दुख से गुजरा है। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय उसका 35 वचन में, तो प्रभु के वचन में लिखा कि यीशु रोया उस दुख के कारण, जो लाजर की डेथ हो रखी थी, जो उसकी बहनें और उसके रिश्तेदार जो रो रहे थे, हो सब परमेश्वर उन्हें देख करके उनके इस दुख को प्रभु ने महसूस किया, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह उसे जीवित करने वाले थे, हाले मुर्दों में से वो जीवित होने वाला था लाजर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, फिर भी प्रभु उसके दुख में से, जो उसकी मरने की परिस्थिति के दुख में से होकर के प्रभु ने उसको फील किया। और प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 11 उसका 35 में कि यीशु रोया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा हो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि प्रभु ने बहुत दुख हमारे लिए अपने ऊपर लिया, पर जब वह परखा गया, हालेलुया, जब सब कुछ, जब प्रभु यीशु मसीह को उस पिलातुस के सामने लाया गया, तो क्या जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं तो जब वो राजाओं के सामने पेश किए जाते हैं तो वो उसमें कोई भी दोष नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में बताया जा रहा है कि वह निष्पाप निकला, उसमें कोई दोष ना पाया गया, पर फिर भी हमारे परमेश्वर उस दुख में से होकर के निकला। और आज कलीसिया, आप के जीवन में अलग अलग दुख हो सकता है,
किसी भी तरह का दुख हो सकता है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक दुख को आज आपके जीवन में से वो निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको शांति तसल्ली देते हुए कहता है, आज आप कर्जे के दुख में है, आज अपनी बीमारियों के दुख में है, आप आज अपने जीवन में वो गुप्त बीमारियों को लेके आज आप दुखी हैं, वो गुप्त बातों को लेकर के आज आप दुखी हैं, आज माँ बाप अपने बच्चों की कुछ बातें हैं जिन्हें छुपा रहे हैं इसमें वो दुखी हैं। हो सकता है कि आज आप अपने दुख को दूसरों के साथ नहीं बांट पा रहे, ये भी एक आपके जीवन में दुख है और निराशा है, ये हानियाँ हैं आपके जीवन में, ये आपके जीवन के पहाड़ हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर हमारे परमेश्वर का वचन वचन संहिता 30 और उसका 5 वचन प्रभु हमारे जीवन में एक तसल्ली लेके आते हुए कहते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु आज आपको कह रहे हैं कि जो आपके जीवन में दुख आया है, ये जो उतार चढ़ाव आए हैं, आज माँ बाप इसलिए भी परेशान है कि वो अपने बच्चों की मैरिज किया और आज बेटियां मायके में हैं, ये इस बातों को लेकर के भी ये भी एक वजह है कि माँ बाप आज दुखी हैं, आज परेशान हैं, इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। हालेलुया, पर प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, ऐसे माँ बाप से जो अपनी बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, प्रभु आज आपको कह रहे हैं कि ये जो आपके जीवन में दुख आया है अपनी बेटियों को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर जो दुख आया है, प्रभु कहते हैं कि ये क्षण भर का है, यानी कि ये रात भर का ही दुख है। सुबह कितने समय में सुबह हो जाती है, रात कितने समय की है, प्रभु उसी तरह से हमें एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि रात को तुम्हें दुख होगा परंतु सुबह तुम्हें आनंद ही होगा। हालेलुया, इसलिए हर दिन एक जैसा नहीं है। आज दुख है तो कल आप हंसेंगे, आज आप रो रहे हैं कल आप हंसेंगे, आज आप दुखी हैं तो कल आप आनंद में होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज प्रभु आपके जीवन में से हर एक दुख को निकाल के आज आपके जीवन में वो आनंद को भरने जा रहे हैं, वो आनंद जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आनंद से प्रभु आज अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को भरने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, इसलिए प्रभु कहते हैं कि कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सुबह तुम्हारे तुम्हें क्या पहुंचेगा, आनंद ही पहुंचेगा। इसलिए आज हर एक जन आज आपके जीवन में कैसा भी दुख खोने से आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। यदि आप हन्ना के जीवन में देख रहे हैं तो जैसे कि आपको बताया कि उसके जीवन में दुख जरूर था, अय्यूब के जीवन में दुख था, नौमी के जीवन में दुख था, दाऊद के जीवन में दुख था, पर सब ने उस दुख के ऊपर क्या पाई है, जय पाई है। थोड़े दिन के बाद वो जब दुख चला गया तो उन्होंने बड़े आनंद को अपने जीवन में महसूस किया, उन्होंने अपने जीवन में आनंद के फलों को काटा है, खुशियों के फलों को काटा। उसी तरह से कलीसिया आप भी अपने जीवन में, आज ही आपके जीवन में आप आनंद को लेने जा रहे हैं, आप खुशियों को लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए सारे जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। हर एक तरह का दुख, वो कर्जों का, वो बीमारियों का, वो परिस्थितियों का, वो आपके रिश्तों का, वो आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का, आपके माँ बाप के साथ रिश्ते का, आपके हर एक तरह के रिश्ते का, आपके आस पड़ोस के रिश्ते का, किसी भी तरह का वो दुख क्यों ना हो, प्रभु आज उसे बड़े आनंद में बदलने जा रहे हैं। इसलिए आज अपने हर एक तरह के दुख को, अपने बिजनेस को, वो कर्जों को, वो लाइलाज बीमारियों को, वो इन्फेक्शन को, वो ऑर्गन्स डैमेज को, ऑर्गन्स रिप्लेसमेंट को आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। और जो ऑपरेशन होने जा रहा है उस ऑपरेशन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो टीम ऑपरेशन करने जा रही है, डॉक्टर्स की टीम, सारे ओटी टेक्नीशियंस, हेल्पर्स, सभी को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आप जो भी काम करते हैं वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको निराशा को देखना पड़ रहा है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी, इस भाई का नाम है सिमोन और ये झारखंड से रहने वाले हैं और ये 14 जनवरी को पहली बार चर्च में आए थे और ये भाई बताते हैं कि 25 साल से बहुत ज्यादा नशा करते थे और ये बताते हैं इनसे ऐसा कोई नशा
बचा नहीं था कि जो ये नशा नहीं करते थे। इतना ज्यादा परेशान थे नशे में। और ये बताते हैं कि जैसे कि नशा शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सारे नशे करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये नशा करते थे तो बहुत लोगों को गालियां भी देते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे, बहुत मारपीट भी करते थे। और ये बताते हैं कि जो ये नशा करते थे ये खुद अपने घर पर ही नशा बनाते थे। कहते जो शराब होती है ये घर पर ही शराब अपने बनाकर पीते थे। और ये बहुत कहते परेशान थे। और ये बताते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ भी जाते थे शराब पीकर, ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ इनको नहीं जाना चाहिए था, और ये शराब पीकर भी पार्टी करते थे और बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे, लोगों को मारना पीटना, गाली देना, गंदे गंदे वर्ड्स बोलना जो कि इनको नहीं बोलने चाहिए थे, पर ये परमेश्वर को नहीं जानते थे बिल्कुल भी उस समय। और ये बताते हैं कि अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे कि हमारी ये जितना भी पैसा ये कमाते थे इनका सारा पैसा उस नशे में पानी की तरह जा रहा था। पर ये अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये बताते हैं कि नशा करते करते ये दो बारी ये ब्रदर जेल भी जा चुके हैं। इतना ज़्यादा इनकी लाइफ खराब थी, बहुत ही कंडीशन की खराब थी। घर वाले भी इनके बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर ये पहली बारी चर्च 14 जनवरी को फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे। और ये बताते हैं इन्होंने ये गवाही तो नहीं दे रहे थे, कहते मैं गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती बताने में। तो मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया है तो ये गवाही तो आपने देनी है। और ये बताते हैं कि ये हर एक जब से 14 जनवरी से चर्च में आना शुरू किया है, हर एक फ्राइडे सैटरडे संडे हर एक मीटिंग में भी चर्च में आते हैं, कोई भी इन्होंने मीटिंग को मिस नहीं किया। जो कि ये 25 साल से हर एक नशे करते थे और सच में ये जैसे कि चर्च में आए, चर्च में पैर रखते ही परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से बदल दिया। जो कि 25 साल से नशा करते थे इनसे कोई भी नशा नहीं छूटा था, ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा ग्रेस इनके ऊपर आया। जो कि 25 साल से नशा करते थे पूरी तरह परमेश्वर ने इनको हील किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अभी हमने गवाही को सुनी है, थैंक यू जीसस कि कैसे परमेश्वर ने उस नशे से आजाद कर दिया है। हालेलुया। यदि आज भी आपके घर में कोई नशा करता है और आप परेशान हैं कि कैसे ठीक होगा, तो सॉल्यूशन जीसस है, सॉल्यूशन यीशु मसीह है। जो नशा करते हैं वो उनका दो चीज़ें नुकसान हो रहा है। वो क्या चीज़ है? शरीर भी नुकसान हो रहा है तो आत्मा भी नुकसान हो रहा है। और यही नशा उन्हें कहाँ लेकर जाएगा? यहाँ तो बर्बादी लेकर ही आएगा, लेकिन वो नरक के भी लिए भी रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया, वो अपने लिए खुद ही खोल रहा है वो। हालेलुया, देखो वो बर्बाद करता है। नशा मतलब पाप, पाप के साथ जब सहभागिता रखते हैं, हालेलुया, तो दंड लेकर आती है, प्रॉब्लम्स लेकर आती है, बीमारी लेकर आती है, बर्बादी को लेकर आती है। लेकिन यदि आज बहुत लोग नशा करते हैं और कई माँ बाप परेशान अपने बच्चों को लेकर, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आपके बच्चों को छुटकारा दे, तो आपको आज यीशु मसीह की जरूरत है। चाहे कितना भी नशा क्यों ना हो, कई लोग आज नशे केंद्र में भी जाते छुड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ भी कुछ असर नहीं होता है। परमेश्वर उनके मन को बदल देगा, परमेश्वर उस नशे के प्रति कड़वाहट को पैदा करेगा। आपने ऐसी ही प्रार्थना करना है अपने बच्चों के लिए, या आप जानते हैं कि ये इतना नशा करता है, मेरे आप कितनी बार बोल चुके हैं नशा मत कर मत कर, पर वो बात ही नहीं मान रहा है, वो बात ही नहीं मान रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर ये मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो भी नशा करते, इसके मन में कड़वाहट पैदा कर, और जब भी नशा करने की कोशिश करे उसी समय उसको वोमिटिंग हो जाए, आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं और कभी ये नशा को हाथ ना लगाए। हालेलुया, तो जो आप बोलेंगे वो होगा, जब विश्वास के साथ कहेंगे, कमांड करेंगे, प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, इसे जोर से ताली बजाए इस छुटकारे के लिए। और भाई क्या करते थे? हालेलुया, 25 साल से वो क्या करते थे भाई? नशा करते थे। हालेलुया, देखो जो 25 साल से जो नशा करते थे, परमेश्वर की तारीफ हो, कैसे परमेश्वर ने आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने
चंगाई दिया, उस नशे की लत से 25 साल के जो आदि हो जाते हैं, नशा छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ठान लेते हैं, आप कैसे छोड़ पाएंगे, जब आप ठान लेंगे, जब आप रोज बोलेंगे परमेश्वर नशेड़ी तेरे राज्य में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैं भी नहीं प्रवेश कर सकता, परमेश्वर मुझे भी, परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय कर, अगुवाई कर, सामर्थ्य दे और बल दे, और परमेश्वर पिता मुझे इस नशे को हाथ नहीं लगाना। जब आप ये प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच में आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। इसलिए इस भाई को परमेश्वर ने उस नशे से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। इवन ये अपने घर में नशा बनाकर बेचते भी थे। हालेलुया, देखो परमेश्वर ने आजाद किया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, जितने आज नशा करते हैं, आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा शुले जोशी के सामर्थ्य नाम में हर एक नशे में जो डूब रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, और जो बर्बाद हो रहे हैं, जो शैतानों ने बर्बाद कर रहा है, और जो चंगुल में फंस गए हैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ा, उन हर एक लोगों के ऊपर हाथों को ऊंचा करो। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा, जो परेशान अपने घर में, हालेलुया, कि कैसे नशा छोड़ेगा, कैसे होगा, पैसे बर्बाद हो रहे, घर के सामान को बेच बेच कर नशा को खरीद रहे, घर में लेकर आ रहे हैं, और शैतान की योजना पूरी होती चले जा रही है जो बर्बादी की है, आज मैं इसी वक्त कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले शूले होली स्पिरिट, जितने आज नशा करते, जिनके लिए आप मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमेन। हालेलुया, सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तालियों के साथ एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना की और जाएंगे। सभी जन अपने घुटनों पे आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु जी समय आपके सम्मुख है और अपने दुखों को लेकर, वो कर्जों के दुखों को लेकर क्या, वो बैंक के, इनको बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा और कार्य नहीं हो रहे और बड़ी गवाही का इंतजार कर रहे। आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, आज यीशु नासरी के नाम से हर एक कर्जे का बंधन टूट जाए, ईएमआई का बंधन टूट जाए आपके जीवन से, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक बड़ी गवाही आपके जीवन में उतरे, एक बड़ी गवाही 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 यीशु के नाम से आपके जीवन का हिस्सा हो, यीशु के नाम से आपके जीवन का हिस्सा हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक तरह के दर्द से आजाद हो जाए, वो दर्द जो सर से लेके पैरों के तलवों तक है, इसी वक्त आपको छोड़ के जाए, इसी वक्त आपको छोड़ के जाए, एड़ियों के दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक तरह की पेट की बीमारियां यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ के जाए, आपके पेट को छोड़ के जाए, जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर दर्द की बीमारी से आजाद हो जाए, सर की हर एक तरह की प्रॉब्लम से, माइग्रेन से, स्ट्रेस से, टेंशन, डिप्रेशन, इसी वक्त यीशु के नाम से जाए, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से जाए। वो बैक्टीरिया जो आपके शरीर में है, आज यीशु के नाम से होली गॉस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आज यीशु की फायर उतरे पे, और वो बैक्टीरिया इसी वक्त आपके शरीर से वैनिश हो जाए, इसी वक्त वैनिश हो जाए। दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, मसूड़ों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिन्हें बार बार अपने बाजुओं में दर्द होता है, नसों में खिंचाव है, बॉडी स्टिफनेस हो गया, मसल स्टिफनेस है, आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आज यीशु नासरी के नाम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह की दर्द से आज आजाद हो जाए, इन्फेक्शन यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर एक तरह की इन्फेक्शन आज यीशु के नाम से जाए, जाए, जाए आपके शरीर को छोड़ के। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके अन्न को, आपके जल को, जो भी आप खाते और पीते हैं, यीशु के नाम से बी ब्लेस्ड इन जीसस माइटी नेम, बी ब्लेस्ड इन जीसस माइटी नेम। जो घर छोड़ के चले गए, कम बैक इन जीसस माइटी नेम, वो वापस आ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह का रुका हुआ काम आपके जीवन में पूरा हो, पूरा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारे बंधन टूट जाए आपके जीवन के,
और बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए, और बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए। आज गुड न्यूज आपके घर में आए, आज गुड न्यूज आपके मोबाइल पे आए, आज गुड न्यूज आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको रिसीव होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। आज आपको गुड न्यूज रिसीव हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपके हाथों के कार्य को ब्लेस घोषित करते, ब्लेस घोषित करते, हर एक वीकनेस सीक्रेट यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। लकोरिया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक तरह की कमजोरियां आज आपको छोड़ के जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो बार बार आपको कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको काम नहीं कर पा रहे, आप चल फिर नहीं पा रहे उस कमजोरी की वजह से, इसी वक्त जाए आपके शरीर को छोड़ के, हर एक तरह की कमजोरी इसी वक्त होली को फायर फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कोर्ट केस से आजाद हो जाए, झूठे केस से आजाद हो जाए, झूठी FIR से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो जेल में है और यीशु का अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप कैद से छुड़ाने वाले प्रभु है। प्रभु जिनके जीवन में आपके वचन को क्लेम करते हैं, छुड़ाए आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो जाए। एक अद्भुत योजना जो आपकी इनके जीवन में प्रभु, वो पूरा होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो चल फिर नहीं पाते वो यीशु के नाम से चलने लगे, व्हीलचेयर से उठ के खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बंद जुबानें खुल जाए और वह बोलने लगे, और वह बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की गले के दर्द से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की एलर्जी जो आपको बार बार हो जाती है, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। डॉक्यूमेंट्स एरर बी कंप्लीट इन जीसस माइटी नेम, बी कंप्लीट इन जीसस माइटी नेम। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में बार बार एरर्स आती है, बार बार प्रॉब्लम आ जाती है, सिग्नेचर नहीं हो पा रहे, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, वो हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से पूरे हो जाए, प्रार्थना करते यीशु के सामर्थी नाम से वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जी, सारे बच्चों को, आपके घर के एक एक सदस्यों को, बुजुर्गों को आज यीशु के लहू में कवर करते, प्रभु का पवित्र आत्मा संभाल के रखे, हर हानि या नुकसान से बचाए। जहां कहीं भी आज जाते हैं, यीशु का सामर्थी आज हाथ आज आपको कवर करे, आपको संभाल के रखे। एक्सीडेंट को कैंसिल करते आपके जीवन में, हर एक तरह के ऑपरेशन को कैंसिल करते यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह की एलर्जी से आजाद जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद जाए, जो घाव सूख नहीं रहे, जो शरीर के अंदर जा बाहर, आज यीशु के नाम से सूख जाए, यीशु के नाम से आज आपके घाव सूख जाए, हर एक तरह की स्वेलिंग आजाद हो जाए, छोड़ जय 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रुपए पैसे की कमी को प्रभु आपके जीवन में पूरा करके दे, पूरा करके दीजिए प्रभु इनके जीवन में, हम आपके आगे प्रार्थना करते, इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, इनके अकाउंट को प्रभु ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते, ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रॉपर्टी खरीदना जब बेचना चाहते प्रभु, इनके लिए रास्तों को खोले पिता परमेश्वर, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते, सारे रास्ते खोल दीजिए प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते। दया करो, आशीष, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के साथ खड़ा कर दे, छुटकारा दे दे, उद्धार दे दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, हर एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, कलीसिया सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD चैनल को और द गॉड ऑफ हेवन चैनल्स को, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करना आता उन्हें करके दें। और सभी जनों को इनवाइट करते हैं 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, जो कि चर्च का एनिवर्सरी है। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने लिए इंतजाम करें, और अपने स्पेशल बीजों को आप इस मीटिंग के लिए बो सकते हैं, भवन की ज़मीन के लिए बो सकते हैं, भवन की ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं, QR स्कैन के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो प्रेयर सेंटर का जो नंबर है 9711051481, इस नंबर पर कॉल करके आप अपने इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी डिटेल्स को लिखवाएं, तो टीम आपको गाइड करेगी। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं, तो गवाही को देना नहीं भूलना है, गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और लगातार अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, पास्टर अशोक जी के लिए, और चर्च भवन की ज़मीन के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए,
लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखना है। हर एक प्रार्थना का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रभु में आप सर्वदा बने रहें और सभी जन परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट हो सके टाइम टू टाइम। सभी अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहे कलीसिया हालेलुया।